तो दोस्तों, श्रीनगर से लेह का सफर हमारा शुरू हो चुका है और मैंने लगभग 50 किलोमीटर सफर तय कर लिया है, वो भी हिचहाइकिंग के थ्रू, लिफ्ट के थ्रू। तो ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है। अभी इतना दूर अभी और है कारगिल, तो कारगिल तो नजदीक है अभी 250 किलोमीटर, लेकिन ले तो अभी काफी दूर है। तो शुक्र है कि मुझे लिफ्ट मिल चुका है और वो भी ओला टेम्पू मालगाड़ी पे। मैं ऊपर खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है पाटलक कुंड में हम पहुंचे हुए हैं। एक कुंड है, इस एरिया को कुंड बोलते हैं। पाटलक से अभी काफी दूर है, सोनमर्ग भी अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। तो ये बेहद खूबसूरत झरना यहाँ पे दिखाई, और ये मस्जिद, ये कुंड का मस्जिद है। और सामने चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, और पहाड़ के ऊपर बादल। और कैंपेन करते हुए पुलिस की गाड़ियाँ और स्कूल से आते जाते बच्चे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, धूप है तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है ठंड का, लेकिन जैसे शाम होगी रात होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। पूरा ठंड वाले कपड़े पहनने होंगे। देखिए दरिया का जो पानी है वो उजला जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये पानी बर्फ से पिघल कर निकल रही है। देखिए अभी बादल धीरे धीरे आगे जा रहा है, धूप आगे जा रहा है और हम उसका पीछा कर रहे हैं, धूप का हम पीछा कर रहे हैं। देखिए धूप आगे आगे बढ़ती जा रही है और छाया होते जा रहा है, और हम छाए में ही धूप को पकड़ रहे हैं। अब धूप पकड़ में आने वाली है। देखिए ये यस, धूप को हमने पकड़ लिया और हम अब धूप में हैं। ये बिल्कुल नदी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। हमारा टेम्पो भी जो है वो धीरे धीरे चल रही है अराउंड 20 के स्पीड में, हमारी टेम्पो चल रही है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये पहाड़ है, धूप है, पीछे छूट गए रास्ते, ऊपर बादल, बहुत कुछ। ये दरिया, ये गांव, ये पहाड़, ये रास्ते जो बहुत दूर तक जाती है। किसी सीमाओं का ये फिक्र नहीं करती है, रास्ते बस बढ़ती ही जाती है। देखिए ऊपर से पानी, वो जो बर्फ है ऊपर पिघल कर आ रही है और दरिया में मिल जा रही है।
पक्षियों का हल्का शोर, ठंडी ठंडी हवाएं। तो भाई सफर की शुरुआत हमारी हो चुकी है और ये देखिए एक दरिया है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान से आ रहा है पानी इसका। और जो झेलम है, झेलम इधर से जाता है पानी पाकिस्तान में, लेकिन जो ये दरिया है पाकिस्तान से आ रहा है। तो काफ़ी अदला बदली है।